आपका नाम क्या है? राहुल राय नाम है। ओके राहुल जी, आपका और श्रद्धा का किस तरह का नाता था, क्या क्या हुआ था आपके सामने? एक्चुअली सर, मेरा दोस्त गॉडविन है, उसका खास फ्रेंड है वो। एक्चुअली उसको तकलीफ में थी, तो गॉडविन ने मेरे को फ़ोन किया था, तो मैं श्रद्धा को जाकर मिला, उसको पुलिस चौकी लेके गया। मैं चौकी लेके गया, एफआईआर की घटना है ये 2020 की घटना है, 2020 की घटना है ये। तो मैं एक्चुअली लेके गया उसको पुलिस चौकी, पुलिस वाले बोले लिख के दो, लिविंगस्टन में लोग रहते थे साथ में दोनों जन, तो पुलिस वाले लिख के, तो लिख के उन्होंने दिया, लिख के देने के बाद उन्होंने एवर साइन आ गया उसको लेके, एवर साइन आने के बाद उसको बोला मेडिकल करने के लिए। एक्चुअली उसका गला दबाया था, दो तीन बार अटैक कर चुका था, सद्या बता रहे थे दो तीन बार अटैक कर चुका था उसके ऊपर। अटैक करने के बाद उसको बोला एक काम करते मेडिकल करवाते मेडिकल, तो बोलती नहीं नॉर्मल हो जाएगा। उसको गर्दन पे बहुत निशान था, गर्दन पे पीछे उसको मार लगा था मुक्का मार से। तो हम लोग लेके एक्चुअली उसको बोले तो बोलती नहीं हो जाएगा नॉर्मल। तो उसके दूसरे दिन मैं मेरे एक मैडम है बीजेपी की, पवन अपना ये पूनम बिडलान के, मैं वो मैडम के पास लेके गया, मैडम के पास ले गया, मैडम का बेटा है, उनका बातचीत किए अच्छे से। तो मैडम बोलते लिविंगस्टन में रहते तो थोड़ा होता है एक्चुअली झगड़ा, जो भी आप नॉर्मल बैठ के आप ये कर सकते हो। उसके बाद में सर वो बोलती है मेरे जान को खतरा है, मेरे को मार देगा, मेरे को मेरे जान को खतरा है, मेरे को मार देगा। तो भी वो मतलब बोले ऐसा ठीक है, तो हम लोग पुलिस बोलते हैं भाई करने के लिए, तो इस बात के लिए भी वो डर रही थी एक्चुअली। क्या है कोई अंदर से बहुत डर था, पर वो एक्चुअली खुल के बात नहीं कर रही थी हम लोग, और वो कम से कम वो डिप्रेशन में थे एक्चुअली ज़्यादा कर। आप तब तो आप जानते थे? नहीं सर, उसको कभी जानता नहीं था। फिर कैसे मुलाकात हुई सर? उसको सदा से मेरे फ्रेंड की वजह से मुलाकात हुई, गॉडविन भाई। वो लोग कंपनी में, एक कंपनी में काम करते थे। श्रद्धा यहाँ पे कब एडमिट हुई थी और क्या वजह थी? श्रद्धा यहाँ पे 3 दिसंबर 2020 को एडमिट हुई थी। वो एक्चुअली नेक पेन और बैक पेन करके आई थी, उसको उसकी वजह से चलने में, उठने बैठने में और गर्दन की मूवमेंट करने में मुश्किल हो रही थी। फिर जब हमने उसका ट्रीटमेंट चालू किया, ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर से मिलकर उसका ट्रीटमेंट चालू किया, उसको फिजियोथेरेपी चालू किया, तो 2-3 दिन बाद उसका पेन अच्छे से सबसाइड हुआ, उसको मूवमेंट्स इंप्रूव हो गए, फिर हमने उसको डिस्चार्ज किया। सर पेन का रीज़न क्या था? क्या उसे कोई मारता पीटता था या नेचुरल था, क्या था सर? एक्चुअली पेशेंट ने ऐसा कोई हमें बताया नहीं कि पेशेंट को कुछ मारपीट हुई, जब तक पेशेंट नहीं बताएगा हमें वैसा नहीं समझेगा। लेकिन ये पेन एक्सरसाइज नहीं करने से, पेशेंट के उठने बैठने की या पोस्चर प्रॉपर ना रहने से, कोई भारी चीज़ उठाने से, गिरने से, मारपीट से, किसी भी कारण हो सकता है। सर इसमें एक, 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 एक पिक्चर भी सामने आ रही है, श्रद्धा को चोट लगी हुई है, ऐसा कुछ चेहरे पे इंजरीज थी क्या कुछ? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि उस समय हमें कोई चेहरे पे इंजरीज मिले थे। तो ये जो आप बोले कि बैक पेन था, स्पाइनल इशू था, कि मारने पीट हुआ कि सिर्फ नॉर्मल? नहीं, मैंने आपको अभी रीज़न बताया ना कि मारपीट के साथ साथ, मारपीट या फिर पेशेंट का गिरना, मोच आना, वजन उठाना, पोजीशन सही नहीं रहना, एक्सरसाइज रेगुलर ना रखना, ऐसी चीज़ों से भी हो सकता है। स्पॉन्डिलाइटिस से सिम्टम्स इस कारण से भी हो सकते हैं। उसके साथ आफ्ताब भी था क्या साथ में? यस आफ्ताब था। क्या बोल के आया था आफ्ताब? आफ्ताब ने आपको अप्रोच किया था या पेशेंट डायरेक्टली आए थे? नहीं, वो पेशेंट डायरेक्टली आए थे, लेकिन उनके साथ आफ्ताब था। आप लोग अमूमन ऐसे होता है ना कि कभी कभी ऐसी जब ऐसा शक लगे कि ये असॉल्ट है, ट्रॉमा है, लेकिन पेशेंट को ऐसे एक्सटर्नल इंजरीज नहीं थे, और जब तक पेशेंट हिस्ट्री नहीं देता है कि कुछ असॉल्ट हुआ है, तो फिर अननेसेसरी हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन सर ये जो इंटरनल इंजरीज थी, तो लग रहा था कि ब्लंट ऑब्जेक्ट के इंटरनल इंजरीज से मारपीट हो सकती है? नहीं, वैसे साइन नहीं मिला था, किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से नहीं मिला था। पेशेंट को अर्ली स्पॉन्डिलाइटिस जैसे सिम्टम्स मिले थे, जो कि ट्रॉमा के साथ साथ, मैंने आपको बताया, चोट या फिर प्रॉपर पोजीशन ना रहने से, पोस्चर सही नहीं रहने से भी कुछ जॉब्स मारपीट का रीजन हो सकता है। कितने दिनों का ये ट्रीटमेंट टोटल? पेशेंट 3 दिन तक एडमिट थी, और फिर 4th डे पे हमने उसको डिस्चार्ज किया। 3 तारीख से 6 तारीख तक वो एडमिट थी, 6 तारीख को हमने डिस्चार्ज किया। उसके बाद आपने फॉलोअप के लिए बुलाया? उसके बाद पेशेंट फॉलोअप के लिए नहीं आई। आपने बुलाया था? यस सर, हम पेशेंट को बुलाती है 5 to 7 days में फॉलोअप, अगर नेसेसरी रहा इन बिटवीन, अगर पेशेंट को कुछ तकलीफ रही, पेन रहा, तो पेशेंट कभी भी आ सकते हैं फॉलोअप के लिए। पहली बार आई थी कि पहले भी आई? फर्स्ट टाइम आई थी, पहली बार आई थी। उसके बॉडी पे कहीं निशान थे कुछ ऐसा मारपीट के? नहीं ऐसे चोट के, मारपीट के निशान हमें नहीं नजर आए। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।